घुसा दूंगा दोनों को, मार दूंगा या तो मैं खुद को मार के जेल चला जाऊंगा। ठीक है निकलो यहाँ से, थंकी है थोड़ी। दिमाग खराब है तेरा, छोड़ इसको। दिमाग नहीं खराब करना मेरा, ठीक है। गाइस हायाबुसा की चाबी गिर गई यार, ये कैसे हो सकता है? चाबी नहीं है, स्टार्ट ही नहीं होगी। ब्रो क्या कर दिया आपने, बंद नहीं ना करनी थी? मैंने बंद की नहीं, अपने बंद हो गई। हटो एक मिनट, एक मिनट रुको। आ गया देर लाइन। So guys, अभी हल्क से हम टो करेंगे और ऊपर से यहाँ पे चढ़ाई है, देख रहे हो चढ़ाई में रुके हुए हम। ये देखना गाइस अभी चाबी गिरेगी, अभी ये वीली मारेंगे ना, ये ए गई चाबी, ये देख रहे हो इधर गिरी है इधर। सो फाइनली गाइस ये चेक करो, अभी मैंने मोटर व्लॉगिंग सेटअप पहन लिया है एंड गाइस यहाँ पे चेक करो, अभी हमारा हल्क अच्छे से वॉश हो चुका है, देख रहे हो भाई अपना हल्क कैसे चमक रहा है। और आपको पता है लास्ट टाइम हमारा क्रैश हुआ था ना, तो ये टूट गया हुआ था, टूट नहीं गया, यहाँ से ढीला हो गया हुआ है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने हल्क की मॉडिफिकेशन करने के लिए, इसके मैंने क्रैश गार्ड मंगाए हुए थे, तो आज चलते क्रैश गार्ड को भी जल्दी से इंस्टॉल करवा लेते हैं, इसको भी करते हैं और मॉडिफिकेशन भी हमें करवानी है अपने हल्क की, ठीक है। तो चलो गाइस अभी जल्दी से निकलते हैं, इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं। सो ये हो गया, नहीं भाई गियर में है। सो गाइस ये हो गया हमारा मॉन्स्टर कोल्ड स्टार्ट, तो पहले इसको कोल्ड स्टार्ट होने दो। और यहाँ से चेक कर रहे हो, यहाँ से भी रैप निकल गया हुआ है यार, बहुत सारी जगहों से ना रैप फट गया हुआ है, इधर से यहाँ से चेक करो, यहाँ से भी रैप फट गया हुआ है, पता नहीं क्या सीन हो गया यार ये। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज ना हम हल्क को गुम्मट ही लगा के आएंगे, सारा इसका काम करवाएंगे, जहाँ जहाँ से इसका रैप फट रहा है ना, जैसे ये है दो तीन जगह आगे से भी फट रहा है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मैंने जोकर बनाया था ये देखो, ये पूरा खराब हो गया हुआ है। तो गाइस ये सारा ठीक करवाएंगे और यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे लगी अपनी KTM RC390, इसकी भी मैंने किट ऑर्डर की है यार, सामान आने में बहुत टाइम लगता है जम्मू में, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे लगी अपनी KTM RC390, इसका भी हमने ऑर्डर पे डाला हुआ है, ये भी आ जाएगा। तो चलो गाइस अभी हल्क को बाहर निकाल पार्किंग से। सो फाइनली गाइस हमने अपने हाथी को निकाल दिया पार्किंग से बाहर, तो चलो अभी चलते हैं। हायाबुसा हमारा सिद्रा में वेट कर रही है, पहले हम सिद्रा चलेंगे, वहां पे एक छोटी सी राइड करेंगे, फिर हम चलेंगे डायरेक्ट गुम्मट, ठीक है, मॉडिफिकेशन करवाने के लिए। बाकी अपना हल्क देख रहे हो कैसे चमक रहा है वॉश करवा के, तो चलो यार अभी चलते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, यहां पे लास्ट टाइम जब मैं हल्क लेके आ रहा था ना भाई, ट्रैफिक वाले एकदम मेरे आगे सारे आगे हुए थे, पता नहीं आज भी आएंगे कि नहीं यार, हुआ पता नहीं क्या इधर। जो मर्जी बोलो पर यार इस चीज को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आप ऐसे करके ऊपर आ जाओ भाई, नंबर प्लेट की फोटो खींचो, चलान करो, पर ये चीज तो सही नहीं ना है। आपको पता है गाइस जब भी ऐसा सिचुएशन होता है ना, मैं हमेशा ट्रैफिक पुलिस वालों की साइड लेता हूं, पर यार उनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि अगला बंदा राइडर है, उसको आराम से रुकाओ भाई, वो रुक जाएगा, ऐसे चढ़ने की क्या ही जरूरत है। तो सिग्नल हो गया है ग्रीन, अभी चलते हैं सिद्रा। सिद्रा में आपको हम आलियान एयरलाइंस के थोड़े दर्शन करवाएंगे, ठीक है। क्या खतरनाक मौसम हो रखा है यार, इतनी ठंडी हवा चल रही है, क्या बात है। मैं कहता हूँ अगर ऐसा ही मौसम रहे ना, मैं डेली मोटो व्लॉग करूँ, डेली का दिन में दो मोटो व्लॉग बनाऊंगा, पर यार इतनी गर्मी हो जाती है ना। पानी निकला होगा इसमें से। और गाइस जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं ना किया, उन लोगों को मैं याद दिला दूं कि हम ना रोज अपने एक सब्सक्राइबर से बात करते हैं, जो लोग मुझे इंस्टा पे मेंशन करते हैं ना, मैं डेली अपने एक सब्सक्राइबर से बात करता हूं और उसका स्क्रीनशॉट मैं लगाता हूं इंस्टा पे। तो जिन लोगों ने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं ना किया, जल्दी से जाओ मुझे वहां पे मेंशन करो और आपका भी स्क्रीनशॉट आ सकता है वहां पे। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं नेस कैफे पे, ये चेक करो भाई ब्लैक ब्यूटी है, देख रहे हो, इसको देखता हूं ना कसम से मेरे को अलग सी फीलिंग आती है, क्या लग रही है अपनी हायाबुसा देख रहे हो। और गाइस अभी ना साउंड कंपैरिजन वीडियो भी बनाएंगे, हल्क वर्सेस हायाबुसा, देखते हैं साउंड किसकी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। आओ विली पे ड्रैग रेस लगाते हैं, आओ ना, आओ ना आगे आलियान एयरलाइन। भाई बिल्ली में मैं भाई से आगे चल रहा था यार, क्या करते हो, हायाबुसा की बेइज्जती करा रहे हो। रुको रुको, वन मोर, अबे यार उधर चलेगी, इसमें से पानी क्यों निकल रहा है यार, क्या सीन है। हायाबुसा देख रहे हो क्या लग रही है, बिल्ली मारो मारो, कह रहे बिल्ली मारो 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 मारो, ओ भाई कौन सी बिल्ली मार रहे हो, रुको रुको, ओ तेरी ओए, क्या बात है, मारो 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 मारो, ओ क्या बात है, लोंडा देख रहे हो। ये रुकेगी नहीं भाई, नॉन एबीएस है। ओए ओए ऑटो वाले,
भाई अपनी बाइक में कंट्रोल होता बंदे का, क्या बात है, कैसे चल रही है देख रहे हो। आलिया एयरलाइंस टेक ऑफ करने वाली है, मजा आ गया। फर्स्ट गेट टेस्ट करते हैं, ठीक है। पहला गेट डालो, पहला गेट। भूसा तो आगे निकल ही जाएगी, फिर भी पहला गेट है। 1 2 3 गो। ओ भाई, फिर से। अब सेकंड गेट टेस्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 गो। भाई साहिल भाई को क्या हो गया है, हल्क पूजा से कैसे आगे निकल जा रहा है भाई। मैंने तो इसको ट्यून भी नहीं किया है, हल्क में अलग ही पावर है भाई। मैं कह रहा हूँ मेरी बाइक को क्या दौरा पड़ गया हुआ है, पूजा से आगे निकल जा रही है। हाँ अच्छा, उसका प्रॉब्लम है, चाबी गिर गई क्या? ओ रुकना, एक मिनट। ओ भाई गाइस, हायाबुसा की चाबी गिर गई यार, ये कैसे हो सकता है भाई। बूजा बिना चाबी के चल रही है ब्रो, और ये बिना चाबी के कैसे चल रही है गाइस, देख रहे हो आया बूजा में चाबी भी नहीं लगी है, फिर भी चल रही है यार। इसको क्या टार्जन है इसके अंदर ब्रो, ये बंद क्यों नहीं हो रही, नहीं होती नहीं यार, अभी ऑन ही रहेगी ये। वो ओ माय गॉड गाइस, देख रहे हो क्या सीन हो गया, चाबी गुम होगी हाया बूजा की। आगे होगी, आगे आओ। भाई हेलमेट उड़ गया था मेरा, क्या व्हीलीज पॉप हो रही है आज यार, क्या व्हीलीज ही पॉप हो रही है, क्या बताओ यार। आलिया एयरलाइंस, वो क्या मजा आ रहा भाई, एड्रेनलिन रश हो गया पूरा बॉडी में कसम से। पर चाबी गुम हो गई है पूजा की, ओ माय गॉड गाइस, मैं होप करता हूँ पूजा की चाबी मिल जाए, नहीं तो हम खज्जल हो जाएंगे भाई। चाबी के बिना चल रही है बाइक यार, देख रहे हो आप क्या सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी चाबी निकाल दूं, ठीक है, मेरी तो निकल ही नहीं रही है, देख रहे हो ना। जब तक आप चाबी को ऐसे नहीं करोगे निकलती नहीं है, उनकी ऑन पे कैसे चाबी निकल गई मुझे ये नहीं समझ आ रही। नहीं मिली क्या यार, तो ये क्या करे अब। हाँ यार ये क्या सीन हो गया। हाँ उस साइड भी गिरी हो सकती है। हाँ वापिस चले फिर। ओ शिट, बंद कर दिया आपने। अरे बंद क्यों की, गियर में स्टार्ट करो, चाबी नहीं है स्टार्ट ही नहीं होगी ब्रो। क्या कर दिया आपने, बंद नहीं ना करनी थी। मैंने बंद की नहीं, अपने बंद हो गई। हटो एक मिनट, एक मिनट रुको भाई, नहीं होगी। मतलब यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है कि चाबी नहीं है। अरे भाई गियर में भी स्टार्ट नहीं होगी, जो मर्जी कर लो। अरे ये तो सीन हो गया, नहीं होगी यार शिट। चलो फिर बैठो बाइक के पीछे ढूंढते हैं। शेट गाइस सीन हो गया यार, अगर आपको पता चाबी नहीं ना मिली बाइक ऐसे ही डेड हो जाएगी यहाँ खड़े खड़े। यार ये केस आज तक नहीं मैंने कभी देखा यार सुपर बाइक में, खासकर ऐसा तो होता ही नहीं है कभी भी, पहली बार ऐसा केस देख रहा हूँ भाई मैं। क्या आपने गुम कर दिया था? अच्छा वो भी मेरे जिम्मे चढ़ा रहा है, कह रहा की चेन आपने गुम कर दिया था। ढूंढते यार मिल जाएगी, टेंशन नहीं लो। व्हीली आपने उधर मारी थी ना पीछे, गोप्रो में क्लिप देखूं, पर चाबी इतनी पतली है कहां ही आएगी। गाइस अभी गोप्रो में चेक करते हैं कि चाबी कहां पे गिरी है, पर चाबी पे की चेन भी नहीं ना लगा है तो क्या ही पता चलेगा यार। गाइस अभी तो मैं पूरी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हूं, कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगी। गोप्रो में चेक करते हैं कहां पे गिरी है। गाइस ये ज्वाइन होने में भी इतना टाइम लेता हो, यहां पे चेक करो बच्चे भी आ गए। हेलो कैसे हो, ठीक हो? कहां घूम रहे हो सारे? हमसे मिलने? नहीं यार, आवाज आ गई थी बाइक की। अच्छा क्या करूं, बिल्ली मार तू? सो गाइस यहाँ पे चेक कर लो, अभी हमने क्लिप निकाल लिया, ये चेक करो यहाँ पे चाबी लगी हुई है ना, अब देखते हैं चाबी गिरती कहाँ पे है। ये देखना गाइस अभी चाबी गिरेगी, अभी ये बिल्ली मारेंगे ना, ये ए गई चाबी, ये देख रहे हो इधर गिरी है इधर। चलो चलो बच्चों हमारे साथ चाबी ढूंढोगे तुम लोग, ठीक है, जो ढूंढेगा उसको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। ऊपर बहुत आगे रुक जाओ, चलो 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 चले, जो ढूंढेगा उसको गिफ्ट दूंगा मैं, ठीक है, ढूंढो ढूंढो।
1000 years later. So guys, अभी हमने पूरा रास्ता चेक कर लिया यार, पीछे से आगे तक कहीं भी चाबी नहीं दिख रही है यार। अभी इतनी स्पीड में चाबी गिरी है भी उस पे कोई की चेन नहीं, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही है यार। So guys, अभी हमें एक घंटा हो गया चाबी ढूंढते हुए, भाई चाबी का कोई नामो निशान नहीं है, चाबी पता नहीं कहाँ पे गुम हो गई है, कोई पता नहीं चल रहा है। अभी ये भाई भी हमारे साथ छोटे से लगे हुए थे, आधे घंटे से हम ढूंढ रहे हैं यार, एक घंटा हो गया हमें धूप में लगे हुए हैं, पर कोई चाबी का नामो निशान नहीं है। पूरी एग्जैक्ट लोकेशन भी आई है वीडियो में कि कहाँ पे चाबी गिरी है, पर मिली नहीं रही, जैसे पता नहीं उसको जमीन खा गई है। पूरी लोकेशन आ रही है, गोप्रो से क्लिप निकाली, आराम से देखा पूरा, फिर भी दिख नहीं रही यार, पता नहीं जैसे जमीन खा गई उसको। तो अब पता नहीं क्या करना है, चाबी पड़ी हुई है घर पे है ना। घर आपका कितनी दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर है भाई इनका घर, तो खज्जल ही हो गए गाइस आज, क्या बोले यार। मॉडिफिकेशन करवाने जाना था और भी बहुत काम थे, अब खज्जल हो गए यार, अब क्या करें। तो चलो गाइस एक और ट्राई करते हैं, आप ढूंढ ही सकते हैं और कुछ हमारे पास ऑप्शन है नहीं, अभी चलते हैं। गर्मी भी बहुत है यार, प्यास लगी है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई लोग, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय। गाइज एक प्रॉबिबिलिटी है कि बाइक के अंदर घुस गई हो, वैसे हम दो बार चक्कर मार चुके हैं, हमने बाइक में भी देखा, हमें दिखा नहीं, अब जमीन खा गई उसको, क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है यार। सो गाइज ये आ गए हम बाइक के पास, एक बार इधर भी तसल्ली कर लेते हैं, वैसे तो दो बार हमने देख लिया है, पर तीसरी बार देख लेते हैं यार। देख रहे हो बाइक ऑन है, ऑफ भी नहीं है, इसकी बैटरी भी डेड हो गई होगी अभी तक, ये देख रहे हो बैटरी लो हो गई हुई है यार। यहाँ पे अंदर जगह है पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने पूरे ध्यान से देखा, पूरी बाइक को अच्छे से छान मारा पर कहीं कोई चाबी का नामो निशान नहीं है। One death to society later. So guys, अभी चाबी अच्छे से देख ली भाई, चाबी का कोई नामो निशान नहीं, अब हमें इसको टो करना पड़ेगा। अब इतनी भारी बाइक को टो कैसे करना मुझे ये नहीं समझ आ रही है भाई साहब। गाइस आज हमारी लेग्स की प्रैक्टिस होने वाली है। चलो मोड़ो मोड़ो, हल्को मोड़ो, हल्को मोड़ो। गाइस मुझे लग रहा है मुझे बूजा लेने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा भाई, ये किसी दिन कहीं रुक गई ना ऐसी की तैसी हो जाएगी। सो गाइस अभी हल्क से हम टो करेंगे और ऊपर से यहाँ पे चढ़ाई है, देख रहे हो चढ़ाई में रुके हुए हम है। पाओ इधर लगाओ या एग्जॉस्ट पे लगाओ, जहाँ सही लग रहा है वहां लगाओ भाई, पूजा हिल भी नहीं रही है यार। क्या बेइज्जती करा रहे हो, लगाना जोर, चल शाबाश भाई, बहुत चढ़ाई है, नहीं चढ़ेगी। यार हाया पूजा यार, ये चढ़ाई में थोड़ी टो होगी यार, मजाक थोड़ी चल रहा है, छोड़ो छोड़ो कुछ और सोचते हैं। हाँ पिट स्टॉप बंद हो गया हुआ है, गाइस अब इसको नीचे लेके चलते हैं, ऊपर जाने का फायदा नहीं है। फायदा क्या नहीं है यार, ऊपर जा ही नहीं रही है, फायदे की बात कर रहा हूँ मैं इधर, तो इसको नीचे लेके चलते हैं, पीछे से कोई उड़ान आ दे भाई। चल भाई चल बूजा भाई, इतनी भारी बाइक है ये, कहाँ चढ़ाई में टो होगी यार, इसको ऑटो ऑटो में लोड करवाना पड़ेगा, लोड कैरियर में लोड होगी तभी कुछ हो सकता है। गाइस अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इसको कहीं पे पार्क कर लेते हैं और इसकी चाबी लेके आते हैं, और कुछ नहीं हो सकता है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो गाइस अभी हमने बाइक को सेफली पार्क कर दिया, यहाँ पे चेक करो भाई इसकी लाइट भी ऑन है, तो लाइट तो ऑन ही रहेगी, अब घर से इसकी गाड़ी की चाबी लेके आते हैं, फिर देखते हैं, अभी चलते हैं और कुछ पीते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। सो गाइस अभी ऐसा सीन, अभी साहिल भाई गए हैं चाबी लेने के लिए, भाई आज मैं इतना ज़्यादा खज्जल हुआ हूँ ना क्या बताऊँ मैं। ऊपर से यार कल आपको पता होगा यार, वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो गाइस अभी वो कॉल कर रही है, तो उसके पास जा रहे हैं हम। ठीक है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मिल गई चाबी, चाबी मिल गई, दिखाओ जरा दिखती कैसे चाबी, मैं देखूं। गाइस इस चाबी की वजह से आज हम इतना खज्जल हुए हैं ना, दिखाओ ये है ना ये चाबी, ये अभी ये घर से लेके आए, इस चाबी के पीछे आज हम इतना खज्जल हुए हैं ना। ओ वो मिल गई चाबी उठाओ उठाओ, दो तीन बारी नीचे फेंको इसको, नहीं दो तीन बारी फेंको इसको, वो मिल गई। गाइस इस चाबी की वजह से मेरा मानसिक संतुलन हिल गया है यार। तो फाइनली चाबी मिल गई है, अभी मैं आया, ठीक है थोड़ा सा काम है मुझे, वो शाम का सीन चल रहा है, थोड़ा मैं सुलटा के आया, आप इधर रुको मेरा वेट करो, मैं आया ऐसे। ठीक है, हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो, क्या हुआ फिर, किया था फोन उसने, आपने किया था शाम को कॉल, मेरे फोन नहीं उठाया यार उसने, मैंने बहुत कॉल किए थे उसके बाद भी मैंने कॉल किए, फोन नहीं उठा रहा है वो, बट मैंने उसकी बहन को कॉल किया था बड़ी मुश्किल से, मैंने उसको मनाया तो आ रहा है वो, किसको किया था, को कॉल किया था मैंने, अच्छा सिस्टर को किया था उसकी, सिस्टर को पहले मैंने कॉल किया, हाँ तो मैंने कहा मेरी सैम, तो आपने समझाना था ना उसकी सिस्टर को, किया भाई क्या हुआ है इसको थोड़ा समझाओ, क्या दिमाग खराब हो गया हुआ है इसका, तो अभी बुलाओ ना फिर, कहाँ पे है, आ रहा है वो, कह रहा था मैं आ जाऊंगा, मतलब थोड़ा रूडली बात कर रहा था वो मेरे से, हाँ तो कह रहा था मैं आ जाऊंगा, पता नहीं कितना ज्यादा गुस्सा होगा, मुझे तो उसके गुस्से से बहुत ज्यादा डर लगता है, प्लीज आप ही बात, यार देखो अब
मैं क्या बोलूं यार, यार थोड़ा भी नहीं, हद से ज्यादा हो गया, वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाए। आपके तो साथ रहा है, आपको तो भाई मैं तो उससे, मेरे को तो ना कोई उम्मीद है उससे, मैं बस आपके केस में बिकॉज आप बहुत ज्यादा रो रहे थे तो मेरी वजह से, क्योंकि लड़ाई हुई है ना तो मैं बड़ा ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, मेरी वजह से ही हो रही है। वो बोलता है कि तू इसकी साइड जा रही है, मतलब मैं इंक्लूडेड हूँ ना तो मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मेरी वजह से हो रहा है, नहीं तो यार मेरा कोई लेना देना नहीं है सैम से, बस मैं आपके पीछे कर रहा हूँ। बाकी आने तो उसको फिर करते हैं बात, फोन कर लो एक बार उसको। सो गाइस अभी ये कॉल कर रहे हैं तो उसको बुलाते हैं यार, करते हैं बात, अभी इन्हीं के बात क्लियर करवानी है मेरे को, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि उसने जितनी बदतमीजी मेरे साथ की है मैं तो उसको बुलाने नहीं वाला हूँ कभी भी। सीधी जो बात है इनका मैटर सॉल्व करवा देते हैं यार। हेलो, हाँ आ रहे हो? ठीक है आ जाओ, फोन करो फिर से एक बार ही करो। अबे ड्रामे ना करे यार बिना बात के, मुझे हिम्मत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तब से धूप में चाबी ढूंढ रहा था। पता नहीं यार क्या सीन है, अच्छे से बात करना चाहिए। क्या सीन है भाई तेरे को, इससे क्यों लड़ रहा है यार बिना बात का, इस बिचारी का कोई लेना देना नहीं है, कल ये एक घंटा रोती रही है यार, तुझे अकल होनी चाहिए, अगर तेरे साथ कोई बंदा है तो कम से कम कदर कर उसकी, एक घंटा वो रोती रही है ऐसे बिना बात के, यार तुम्हें कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए तुम लोगों को कुछ, कल वो एक घंटा रोती रही है तू ऐसे उससे लड़ रहा है बिचारी से। अपनी साइड की बात नहीं है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है बीच में। नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया है मेरा? मैंने दोनों को ब्लॉक करके रखा हुआ है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। और मेरे देख सुन, मेरी बात छोड़, मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे क्यों बिगाड़ रहा है, और मेरा नाम तू बीच में ले रहा है, मैं फालतू का गिल्टी हो रहा हूँ, वो बेचारी रो रही है आगे मेरे पास, तेरा मेरा नाम नहीं लिया तूने कि तेरी वजह से हो रहा है, तू उसके साथ बात कर रहा था, अच्छी खासी मेरे साथ थी, मेरी साइड थी, कुछ भी नहीं है ऐसा, लियान ने मुझे कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, जो मैं कर रही हूँ अपने दिमाग से कर रही हूँ, मेरे पास दिमाग है यार, देखो रिलेशनशिप मजाक लगती है, मजाक होता है। देख तूने मेरे को, अगर तेरे को उतनी फिक्र होती ना तो मेरे को पहले बोलती कि मैं जा रही हूँ लियान भाई से बात करने, कॉम्प्रोमाइज की बात करने, तूने मेरे से पूछा भी नहीं और तू इसके पास चली गई बात करने, ठीक है, मुझे पता नहीं है इसने तेरे को कौन सी पट्टी बढ़ाई है कि तू भी मेरे को, ओ यार ठीक है, एक काम करो, पता था कि आपने सीन ही क्रिएट करना है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, क्या सीन क्रिएट कर रहा है जैसे पहले भी नहीं, उसने गलत क्या कर दिया, उसने क्या गलत कर दिया, मेरे को नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज, तो मुझे कौन सा करना है, मैं मर रहा हूँ तेरे से बात करने को, तुम्हें बदनाम करना है, तुम्हें मेरे फॉलोवर्स गिराने है, जो करना है इंस्टा पे, कौन से फॉलोअर गिरा दिए मैंने, जो करना है कर लो, ठीक है, मेरे को ना तेरी जरूरत है और ना मेरे को इसकी जरूरत है, मैं अकेला काफी हूँ, ठीक है, मैं सोच के आया, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तू अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, मैं जम्मू में रह रहा नहीं हूँ, मैं जम्मू छोड़ के जा रहा हूँ, भाई मेरे को तेरी जरूरत भी नहीं है, इधर सुन सैम, अगर मैं इधर अभी आया हूँ ना तो इसकी वजह से हूँ, बिकॉज कल आधा घंटा रोती रही है, ठीक है, वीडियो तो इसलिए मैं आया हूँ, बहन को फोन किया था तेरी, तेरी बहन को भी तेरे को समझाना चाहिए थोड़ी, तेरे को मत देनी चाहिए, अगर किसी बंदे के साथ है उसको रुला क्यों रहा है बिना बात का, यार तू रुला रहा हूं भाई, तूने ही पट्टी बढ़ाई, मैंने क्या पट्टी बढ़ाई है यार, कॉम्प्रोमाइज के पीछे मत लगो, आप पहले अपना तो सॉल्व कर लो, आपको मेरे साथ नहीं बात करनी, आपका रिलेशनशिप खत्म करना, ब्रेकअप करना, जो करना आप कर लो, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि आप जैसे भाइयों की तरह पहले रह रहे थे, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो दोनों, यार आप पहले अपना तो सुलझा लो यार, आप मेरे को छोड़ो, आप पहले अपना सुलझ, इसको मेरे साथ रहना होता ना तो ये हरकत कभी नहीं करता, तो अब करना गया, अब रख, इधर सुन ना, मेरे को तेरी जरूरत है, मेरे को पता है, देखो जरूरत होती ना तो तू मेरा नंबर ब्लॉक नहीं करता, ठीक है, हां यार तेरी जरूरत है और ना मेरे को इसकी जरूरत है, ना मेरे को इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है, ओ भाई मेरे साथ करने को कौन बोल रहा है तुझे, तुझे मैंने बोला मेरे को तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना, मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ, उससे फालतू में मत कर बहस, अभी तक तूने खाली खुखरी देखी है, जब चलेगी ना फिर तू चलाना, फिर तेरे को पता चल जाएगा, चलाना खुखरी, तुमने बदनाम करना था जितना मुझे, शाम देख तेरे से लड़ना नहीं करता है, ये हो गया, मेंटल हो गया, पागल हो गया, तुम्हें जो जो बनता है ना तुम्हारा बस वो बोलो, ठीक है, ड्रग्स लेता है जो बनता है तुम्हारा बस, ओ भाई मैंने कब बोला तेरे को, तू अपने रास्ते आई है या नहीं आई है उसको तेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, तो अपना काम कर, आपको कॉम्प्रोमाइज कराना चाह रही थी ना यार, मैंने बोला तेरे को मेरे को कॉम्प्रोमाइज, जब मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना, यार आप सुन इधर, कॉम्प्रोमाइज करना है यार, देख मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा धूप है आगे से, मैं 2 घंटे से चाबी ढूंढ रहा था, मुझे तेरे से बहस नहीं करनी भाई, सीधा मैं बस इतनी सी बात बोल रहा हूँ, मेरा इससे देख, ठीक है ये मेरे पीछे तुम्हारी लड़ाई हुई
हुई है, बस तुम अभी सॉल्व कर लो अपना जो भी है मेरी वजह से जो तुम्हारी लड़ाई हुई है। मेरे को ना तेरे को बुलाना है कभी भी जिंदगी भर, ना तू मुझे जिंदगी भर बुलाना, ठीक है? हमारा अलग छोड़, अभी जो तुम्हारा है वो तुम सॉल्व कर लो, मैं ये बोल रहा हूँ बस। तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। क्या लाइफ बर्बाद? मेरे लिए रिलेशनशिप मजाक है, मेरे लिए नहीं। मेरे यार देखो, मैं धूप में परेशान नहीं करो मेरे को, तुम दोनों ने ना मिलके मेरे को परेशान कर दिया भाई। धूप में मेरा दिमाग, दो दिन से हम इसको ढूंढ रहे हैं, इसने हमें परेशान करके रखा, उल्टा बोल रहे हैं। यार अब मैं क्या बोलूँ, आप भी कर लो ना कॉम्प्रोमाइज, बात खत्म करो यार, मुझे भी जाने दो यहाँ से। नहीं करना मेरे को, यार क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को यार, मेरे को नहीं करना, समझ आ रही है? आराम से बात करो, आराम से क्यों बोलूँ मैं, क्यों बोलूँ आराम से? क्या लड़ना यार, तुम आराम से बात कर, ठीक है? आराम से बात कर, लड़की से कैसे बात करते तुझे पता नहीं है? मेरे को मत सिखा यार, चुप करके आराम से बात करो ना। क्यों करूंगा, हाथ छोड़, मेरा यार पागल हो गई है। संकी है थोड़ी, दिमाग खराब है तेरा, छोड़ इसको। दिमाग नहीं खराब करना मेरा, ठीक है? घुसा दूंगा दोनों को, मार दूंगा या तो मैं खुद को मार के जेल चला जाऊंगा, ठीक है? निकलो यहाँ से, दिमाग नहीं फालतू में खराब। तेरा दिमाग ना सही भी, तू नशे